18 घंटे में मारे 1340 सैनिक, नेटो का पुतिन को चैलेंज। अब लगभग ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि नेटो यूक्रेन को हारने नहीं देगा और पुतिन यूक्रेन को जीतने नहीं देंगे। 940 दिन से चली आ रही जंग में रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे विनाशकारी चरण में पहुंच चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रूस के साथ नेटो का तीसरा विश्व युद्ध। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस को पिछले 18 घंटों में यूक्रेन और नेटो ने मिलकर कितना खौफनाक नुकसान पहुंचाया है। वहीं हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने नेटो और यूक्रेन को तबाह करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर तैयारी पूरी कर ली है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन ने नेटो के 32 देशों से एक साथ जंग के लिए बेलारूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के साथ मिलकर क्या वॉर प्लान बनाया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेनी सेना ने नेटो के हथियारों और उनके लड़ाकों के साथ मिलकर रूसी सेना को 18 घंटे पहले कितना नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी सेना ने 19 सितंबर से 20 सितंबर के बीच रूसी सेना के 1340 सैनिकों को मारने का दावा किया है। इसके अलावा रूस की 35 तोपें महज 18 घंटे के अंदर तबाह करने का दावा किया गया है। वहीं रूस के 118 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 20 टैंक भी उड़ाने का दावा यूक्रेन की सेना कर रही है। आखिरी जंग, पुतिन का तीसरा विश्व युद्ध। अब सवाल उठता है कि नेटो रूस की तमाम धमकियों के बावजूद पुतिन को खुला चैलेंज क्यों दे रहा है। 2.5 साल से ज्यादा की जंग में नेटो, यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों को समझ आ चुका है कि अगर रूस को बर्बाद नहीं किया तो रूस नेटो और पश्चिमी देशों को तबाह कर डालेगा। यूक्रेन जंग में नेटो के खुफिया मिशन और ऑपरेशन की भी रूसी सेना ने धज्जियां उड़ा दी हैं। हम आपको पुतिन और रूसी सेना की कम से कम 3 बड़ी जीत के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से यूक्रेन और नेटो के होश फाख्ता हो गए हैं। रूस की पहली जीत से जुड़ी आप ये तस्वीर देखिए जिसमें पुतिन के वफादार चेचन कमांडर नेटो के लड़ाकों को पकड़े हुए हैं। चेचन लड़ाकों की अखमत स्पेशल फोर्स ने ऐसा धमाका किया है कि नेटो को जवाब देते नहीं बन रहा। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें अखमत स्पेशल फोर्स के चेचन कमांडर अब सियारनुश अलाउद्दीनोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। अलाउद्दीनोव का दावा है इस वक्त कुसर्क में रूसी सेना पर नेटो की गुप्त फौज रूसी सैनिकों पर हमले कर रही है। अलाउद्दीनोव ने एक वीडियो जारी कर ये साबित करने की कोशिश की है। कुसर्क में सैकड़ों नेटो के भाड़े के सैनिक मारे गए हैं जबकि कई नेटो लड़कों को चेचन के लड़ाकों ने पकड़ा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है लगभग 45 से 55 साल के बीच नेटो लड़ाके बुरी तरह से घबराए हुए हैं। नजर चुराते और सर झुकाए ये नेटो लड़ाके कुसर्क की जंग में पकड़ने का दावा किया गया है। चेचन कमांडर अलाउद्दीनोव ने ये भी दावा किया है कि जेलेंस्की पूरी तरह से नेटो की एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। These are the same people who were supposed to march straight to Moscow. How long have you been at the front with us? It turns out I was in training for 35 days. You were mobilized, right? Yes, yes. Which month? In early summer, it was the guys from the draft office who took us. They've realized the truth now. They don't have any other options because even if they wanted to retreat, there are barriers behind them that would shoot them if they tried to turn back. रूस की दूसरी बड़ी जीत पूर्वी यूक्रेन में हुई है। हम आपको बता दें पूर्वी यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है।
19 सितंबर तक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के प्रोक्रस्क तक यूक्रेनी सेना को रौंद डाला है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क के बहुत बड़े इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। दावों के मुताबिक डोनेस्क के हेओरहलविका इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। रूसी सेना की इस जीत को यूक्रेन की बहुत बड़ी हार माना जा रहा है। रूसी सेना ने हेओरहलविका इलाके में मौजूद यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर डाला है। यूक्रेन का हेओरहलविका इलाका सैन्य और रणनीतिक रूप से यूक्रेन और नेटो के लिए बहुत ही अहम इलाका था, जो अब यूक्रेन हार चुका है। हेओरहलविका जीतने के बाद दावा किया जा रहा है कि ये रूस की पूर्वी यूक्रेन में बड़ी जीत है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। ये भी दावा किया गया है कि अब तक कुर्स्क में 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। На цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо. Рус не НАТО ко рагаль дала. Рашпати Путін не апне командарів ки ек баді мітинг не дотук кех дія хе. कि रूसी सेना अब ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें यूक्रेन के अलावा नेटो के 32 देशों से सीधी जंग शुरू हो चुकी है। भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे नेटो देश दावा करें कि उनके सैनिक रूस में सीधी जंग नहीं कर रहे, लेकिन रूस का दावा है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के कम से कम 7,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त कुर्स्क से लेकर पोक्रस्क तक रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक रूस के सैकड़ों टैंक, हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइल ब्रिगेड अब नेटो देशों पर हमला करने जा रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस ने सबसे पहला टारगेट फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग को चुना है। पहला टारगेट फ्रांस, पुतिन ने उतारी रसमत मिसाइल। रूसी राजनेता व्याचेस्लाव वोलोडिन ने टेलीग्राम पोस्ट पर लिखा है कि रूस सरमत मिसाइल से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग पर हमला कर सकता है। वोलोडिन ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को महज 3 मिनट 20 सेकंड में तबाह कर सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रूसी सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर के बीच है, जो फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग तक आसानी से पहुंच रखती है। रूस के मॉस्को से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की हवाई दूरी महज 2,180 किलोमीटर है, जिसे रूस की RS-28 सरमत मिसाइल कुछ मिनट में ही तबाह कर सकती है। 1,504 करोड़ रुपए से यूक्रेन को बचाएगा नेटो। इधर राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार यूरोपियन यूनियन और नेटो के नेताओं से मिल रहे हैं। जेलेंस्की अभी भी पूरी उम्मीद में हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी उसे लंबी दूरी की मिसाइल दे देंगे और रूस के मॉस्को तक मिसाइल से हमले करने की अनुमति भी देंगे। अभी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल से रूस के अंदर हमला करने की अनुमति नेटो ने नहीं दी है। यही वजह है कि यूक्रेन ने 18 सितंबर 2024 को रूसी इलाके टोरोपेट्स में ऐसा भयानक हमला किया है कि रूस का एक बहुत बड़ा मिसाइल डिपो तबाह हो गया। यूक्रेनी सेना ने 19 सितंबर को दावा किया था कि उसकी ड्रोन ब्रिगेड ने 18 सितंबर को रूस के एक मिसाइल डिपो को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूस के टोरोपेट्स से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई परमाणु धमाका हुआ है। धमाके की आग आसमान में आधा किलोमीटर ऊपर तक देखी गई। दावा तो यहां तक किया गया कि जैसे ही रूस के मिसाइल डिपो में जोरदार धमाका हुआ, रूस के टोरोपेट्स शहर में 2.8 तीव्रता के बराबर भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसके 100 से ज्यादा ड्रोन रूस के मिसाइल डिपो में घुस गए और धमाका कर दिया। रूसी शहर पर ये यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ था। जबरदस्त धमाके में रूस को उत्तर कोरिया से मिली KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह हो गई।
साथ ही रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और S-400 भी तबाह करने का दावा किया गया है। नासा ने अपने सैटेलाइट तस्वीरों से इस जगह को दिखाया और दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की घातक मिसाइलें इस्कंदर तबाह हुई हैं। इसके अलावा तोच का यू बैलिस्टिक मिसाइलें भी धमाके में उड़ गईं। दावा किया गया कि ये रूस के 107वें मुख्य मिसाइल और तोपखाने निदेशालय यानी GRAU का हथियार भंडार था जिसमें विस्फोट हुआ है। मॉस्को से 240 मील पश्चिम में हुए इस धमाके को बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। दावा किया गया है कि लगभग 30,000 टन युद्ध सामग्री में धमाका हुआ। इस हमले को यूक्रेन की बड़ी जीत बताया जा रहा है। План А був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати Російську Федерацію, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. इधर वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यूक्रेन के ऐसे हमलों से रूस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। पुतिन का कॉन्फिडेंस 940 दिन की जंग में काफी बढ़ चुका है। तमतमाते चेहरे के साथ पुतिन अपने कमांडर्स और जनरल को साफ आदेश दे रहे हैं, तब तक जंग करो जब तक कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता। पुतिन का पूरा फोकस पूर्वी यूक्रेन है। जंग के मैदान से लेकर विश्व की राजनीति और कूटनीति में भी पुतिन यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के 32 देशों पर भारी साबित हुए हैं। जरा ये तीन तस्वीरें देखिए। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की ये तीन तस्वीरें देखिए, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत, चीन और ईरान के टॉप डिप्लोमेट्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी। इसमें चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के सलाहकार अजीत कुमार डोवाल ने पुतिन के साथ मीटिंग की, जबकि ईरान की तरफ से रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन ने पुतिन के साथ मीटिंग की।